एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 3, 4, 5 या 6 साल का, जिसको आप किंडरगार्टन में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पोलैंड में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द एनरोलमेंट ऑफ योर टॉडलर, दैट इज फ्रॉम 3 to 6 year old, तो वो हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इस वीडियो में जिन भी किंडरगार्टन का जिक्र या जिन रूल्स की मैं बात कर रही हूँ, किंडरगार्टन की बात कर रही हूँ, दे आर बेसिकली द पब्लिक किंडरगार्टन, दे आर नॉट नॉन पब्लिक किंडरगार्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मैं आपके साथ बताना चाहूँगी वो ये है, क्योंकि हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि कितने साल का बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपका बच्चा 3, 4, 5 या 6 साल का है तो वो किंडरगार्टन में एडमिशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है। किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में कोई किंडरगार्टन 2.5 year old बच्चे को भी ले लेते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड ऑफकोर्स जो हेडमास्टर हैं वहाँ के उन पर। तो ये चार जो एज ग्रुप है 3, 4, 5, 6, ये एलिजिबल हैं किसी भी पब्लिक किंडरगार्टन में एनरोल होने के लिए। नाउ द सेकंड स्टेप इज, आपको क्या करना है अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए, व्हाट यू गॉट टू डू। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द किंडरगार्टन, जिस भी किंडरगार्टन में आप अपने बच्चे को एनरोल कराना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना है। इसकी भी लिस्ट इस साइट पे दे रखी है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोलैंड का। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो आपने किंडरगार्टन सिलेक्ट किया है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस बच्चों का कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब से वो रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर वो किंडरगार्टन, पर्टिकुलर किंडरगार्टन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, तो उस केस में आपको वहाँ पर्सनली जाना पड़ेगा एंड अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे के एडमिशन के लिए। जो फॉर्म आपको वहीं से मिल जाएगा, यू हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट, जो भी उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो नीडेड होंगे वो उसमें मैंशनड होगा, वो आपको उसमें अटैच करके अप्लाई करना है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए या एनरोलमेंट के लिए। नाउ ये तो केस था जहाँ पे किंडरगार्टन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सेकंड केस वो है जो आपको ऑनलाइन किंडरगार्टन भी मिल जाएंगे, वो आपको मिलेंगे आपके सिटी ऑफिस या आपके कम्यून ऑफिस, जो आपकी सिटी का ऑफिस या कम्यून ऑफिस इज बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ही होता है जहाँ पे ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड काम संभाले जाते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से किंडरगार्टन जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो आपको कम्यून ऑफिस या जो सिटी ऑफिस है उनकी वेबसाइट को विजिट करना है, उधर जाके आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है फॉर द रिक्रूटमेंट, एज अ गार्जियन आप करेंगे क्योंकि आपको आपके बच्चे के लिए एडमिशन करवाना है। तीसरा स्टेप ये होगा कि आप वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एक फॉर्म है उसको फिल करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स भरेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच करना चाहते हैं वो उसमें भरा जाएगा। एंड फोर्थ चीज जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रेफरेंस के ऑर्डर पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से किंडरगार्टन में अपने बच्चे को एनरोल कराना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मैक्सिमम 3 ही आई थिंक उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से 3 आपको किंडरगार्टन अपने बच्चे के लिए चाहिए है। तो वो 3 जो आप डालें वो आप सोच के डालें, ध्यान से डालें, क्योंकि जो जो फर्स्ट होगा वो माना जाएगा कि आपका फर्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड है, और उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस है वो कम हो रही है। तो आप जब भी उसकी मार्किंग करें ये आपको ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट जो टॉप मोस्ट आपकी प्रायोरिटी है उसको आप फर्स्ट पे डालें, देन सेकंड, देन थर्ड। उसके बाद बस आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है उस वेबसाइट पे, उस जो भी पोर्टल है उस पे। स्टेप जो इसके बाद आएगा, जब आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर लिया है, इसके बाद आपको वेट करना है लिस्ट का आने का, जिसमें कि क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड चिल्ड्रन की, बच्चों की एक लिस्ट निकलेगी।
तो उसके लिए आपको वेट करना है। ये बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसमें कि वो ये देखते हैं कि ये बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हम ले सकते हैं अगर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर दें, और ये बच्चे वो हैं जिनको हम ले ही नहीं सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन। वो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर कोई बहुत दूर रह रहा है, मान लो बहुत ही दूर रह रहा है उस किंडरगार्टन से, तो देयर इज नो यूज कि उस बच्चे को इतना पेन दे के वो यहाँ तक बुलवाएंगे जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने अप्लाई किया है। तो ऐसा मेंशन नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपका बच्चा क्वालिफाई कर गया है उस पर्टिकुलर किंडरगार्टन की लिस्ट में, तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, जो मैं आगे बताऊंगी क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी सबमिट करने हैं स्कूल में, किंडरगार्टन में अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको साइन करना है, एप्लीकेशन साइन करना है, और कन्फर्म करना है कि आप इसी किंडरगार्टन में अपने बच्चे का एनरोलमेंट कराना चाहते हैं। ये सबमिट करने के बाद जब आप कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप जो करना है वो ये है कि वेट करना है आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड चिल्ड्रन। इसमें बेसिकली ये होगा कि जो बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, अब सब बच्चों के क्वालिफिकेशन की लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, तो उस बेसिस पे स्कूल एक और लिस्ट निकालता है कि ये पर्टिकुलर बच्चे जो हैं वो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और ये पर्टिकुलर बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये बहुत रीज़न की वजह से हो सकता है, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मे बी ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द किंडरगार्टन एंड द होम, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, बट इस बेसिस पे जो है वो एक और लिस्ट निकालेंगे जिसमें कि एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड बच्चों के नाम होंगे। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज, अगर आपका बच्चा एक्सेप्ट हो गया है, आपके बच्चे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है उस पर्टिकुलर किंडरगार्टन में, तो आपको जल्दी से जल्दी उस किंडरगार्टन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि आपका बच्चा वहाँ पे एडमिशन है और आगे के एक साल के लिए या जितने भी टाइम के लिए वो आपके किंडरगार्टन में ही पढ़ेगा। तो ये साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके बच्चे की सीट वहाँ पे ऑक्यूपाइड या फिल नहीं मानी जाएगी जब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर आपका बच्चा के डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिस्ट में है, तो आप डेफिनेटली रीअपील कर सकते हैं किंडरगार्टन में भी, पर्टिकुलर किंडरगार्टन में भी, और आपका जो आपके एरिया का आसपास का कम्यून ऑफिस है या आपके एरिया का जो आपकी सिटी का सिटी ऑफिस है, आप वहाँ भी रीअपील कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इज़ द डेडलाइन, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन। तो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है बेसिकली अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज, अगर आप किसी पर्टिकुलर किंडरगार्टन को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके देखना है या पर्सनली उनसे पता करना है कि क्या उनके रिक्रूटमेंट की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, लास्ट डेट है। दूसरा ये है कि आपका जो भी एरिया का कम्यून ऑफिस, म्यूनसिपल कम्यून ऑफिस है या म्यूनसिपल ऑफिस है, सिटी ऑफिस है, आप उनकी वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं कि किंडरगार्टन्स की, क्योंकि उसमें बहुत सारे किंडरगार्टन होंगे, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि किंडरगार्टन की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन कब कब है किस पर्टिकुलर किंडरगार्टन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे प्रोसेस की है वो है रिक्रूटमेंट रूल्स। व्हाट आर द रिक्रूटमेंट रूल्स? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बोला था कि कुछ बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा और क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से बच्चे पहले क्वालिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर किंडरगार्टन में जाने के लिए और कौन से बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इनमें रिक्रूटमेंट रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि कोई बच्चा अगर बहुत लार्ज फैमिली से आ रहा है, अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी, या कोई सिंगल पेरेंट का चाइल्ड है, या जो बड़ा हुआ है किसी फॉस्टर फैमिली में या फॉस्टर होम्स में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस तरह के किंडरगार्टन्स में। और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने प्रीवियसली भी की थी कि जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको पर्टिकुलर किंडरगार्टन या आपका कम्यून ऑफिस बताता है वो आपको सबमिट करने हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इनमें से किसी भी बेनिफिट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ सिंगल पेरेंट, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है दैट यू आर अ सिंगल पेरेंट। आप कुछ कोर्ट का या कुछ ऐसा बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो प्रूफ कर सके कि यू आर अ सिंगल पेरेंट, या वो बच्चा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ही हैज़ और शी हैज़ सम डिसेबिलिटी, तो आपको वो सर्टिफिकेट्स और वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे जो टेस्टिफाई करेंगे, बेसिकली जो प्रूफ करेंगे कि आपने जिस बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स
को बहुत ही केयरफुली देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्यून ऑफिस या जो म्यूनसिपल ऑफिस होते हैं उसमें से काफ़ी लोग कभी कभी यू नो होम टू होम जाते हैं चेक करने के लिए फॉर द ऑथेंटिसिटी एंड द यू नो कि वो सच है या नहीं है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो एकदम रेलेवेंट हों, एकदम सच हों, कुछ भी फॉर्ज उसमें नहीं होना चाहिए। अब हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ आपका बच्चा क्वालिफाई ही नहीं किया किसी पर्टिकुलर किंडरगार्टन में, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बात की है वो यही है कि आपका बच्चा क्वालिफाई भी कर गया, एक्सेप्ट भी हो गई आपकी एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस पूरा भी हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे उस चीज़ की कि उस केस की जिस केस में आपका बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया किसी पर्टिकुलर किंडरगार्टन में, तो उसमें एज अ पेरेंट एज अ गार्डियन आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द सिलेक्शन कमेटी, और आप वो अपील हेडमास्टर जो भी उस पर्टिकुलर किंडरगार्टन का हेडमास्टर है उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अलग होती है, उनके सामने आप रीज़न देने को बोल सकते हैं कि क्यों आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये सब आपको सिर्फ 7 डेज में ही करना है, जो फाइनल लिस्ट निकलती है ऑफ एक्सेप्टेड चिल्ड्रन की उसके 7 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये करना होता है। आप ये इन राइटिंग मांग सकते हैं कि किस बेसिस पे आपके बच्चे का एडमिशन या आपका बच्चे के एप्लीकेशन को यू नो क्वालिफाई नहीं किया गया। इस केस में अगर हेडमास्टर आपके सपोर्ट में होते हैं, आपके फेवर में डिसीजन देते हैं, तो वेल एंड गुड, आपके बच्चे को सीट मिल जाएगी उस किंडरगार्टन में। लेकिन अगर हेडमास्टर भी यू नो नहीं कर पाते हैं आपको फेवर या नहीं कर पाते हैं सपोर्ट आपके बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड, तब आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या म्यूनसिपल कोर्ट जो होते हैं वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी लिमिट 7 डेज टू 10 डेज ही है, और वहाँ आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सिलेक्टेड सिलेक्शन कमेटी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी कम्यून ऑफिस है, जो भी आपके एरिया का म्यूनसिपैलिटी ऑफिस या सिटी ऑफिस है, वहाँ आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिक्रूटमेंट, जो साथ साथ चल रहा होता है इन सब के, वो आई थिंक राउंड द ईयर चलता है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा किंडरगार्टन है जो आपके घर के पास भी है और जिसमें अभी भी वैकेंसी है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। अब लास्ट चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सब पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हम सबसे पहले हर किंडरगार्टन में जाके वही देखते हैं, जो कि है फीस स्ट्रक्चर, कि इस स्कूल में या इस किंडरगार्टन में हमको बेसिकली कितना पैसा देना है। तो अगर मैं आपसे वेबसाइट के बारे में बताऊं कि वेबसाइट में क्या मेंशन गया है, तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि दिस सर्विस इज फॉर फ्री। इस सर्विस का यानी किंडरगार्टन एजुकेशन का कुछ भी पैसा नहीं लगना है। कि जो पब्लिक किंडरगार्टन भी हैं वो थोड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर द मील, जो आपका बच्चा वहाँ पे मील्स लेगा उसका अमाउंट वो चार्ज करते हैं, जो बहुत नॉमिनल होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि अगर मैं आपको नॉन पब्लिक किंडरगार्टन की फ़ीस बताऊँ, तो मैंने 2-3 किंडरगार्टन जो भी पता किए हैं उसमें यू नो इन्फॉर्मेशन के लिए जिनसे मैंने पूछा है, उन्होंने क्लियरली बोला है 1700 zlotys to 2500 zlotys। नाउ 1700 बीइंग द लोवेस्ट। सो दिस वॉज ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक डॉक्यूमेंट से पढ़ के, जो कि गवर्नमेंट साइट से ही मैंने पढ़ा है, उसमें से पढ़ के यू नो यहाँ पे इलैबोरेटिव वे में बताई है। तो अगर आप में से कोई, स्पेशली पीपल हु आर लिविंग इन पोलैंड, अगर आप में से कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के ज़रिए, तो प्लीज़ करिएगा, ताकि जो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो बहुत लोगों के लिए यू नो ज़रूरी हो सकता है और हेल्पफुल हो सकता है। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने पब्लिक किंडरगार्टन में अपने बच्चे को एडमिशन कराया है, उसको जो भी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस लगते हैं व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द वीडियो, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगेन आई वुड से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं। अंटिल वी मीट अगेन, स्टे होम सेफ।